डिस्कस समथिंग अबाउट द रीअरेंजमेंट ऑफ द एरर्स वाला पार्ट जो आपका एरर्स फाइंड करने में हेल्प करता है. कुछ टॉपिक्स तो ऑब्वियसली फॉलो करते आ रहे हैं. सो दिस टाइम वी गॉट समथिंग न्यू फॉर यू. दिस टाइम वी गॉट रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस वेयर यू हैव टू रीएनालाइज ऑल दी सिक्स सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट अ गुड पैराग्राफ ऑन इट्स ओन. नाउ इट्स नॉट लाइक कि आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं और एंड भी अपने वे से ही करना है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू मेक द चेंज अबाउट इट. आप करेंगे क्या, जैसे एक फर्स्ट वाले सेंटेंस को ढूंढने के लिए सिर्फ ये ट्राई करें एग्जैक्टली अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस ढूंढू तो कैसे ढूंढू. यू हैव टू अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड इन इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस एज पर आई गॉट सिक्स सेंटेंसेस ओवर हियर. इन छह में से आपको वन से लेकर सिक्स तक अपने ऑर्डर में लगाना है. अब फर्स्ट सेंटेंस के लिए वाला प्रोसीड along with the rights a banker is required. ये along with आया मतलब it is a connector है, conjunction के तौर पे act कर और connector का मतलब तो you have to add something. यानी कि इससे पहले कुछ क्या होगा तभी आपको plus का sign दिख रहा है. जैसे normally बात करते हैं कि 2 + 5 इसने सिर्फ आपको +5 दिया है. अब किस में +5 को at least बताएं तो सही. यानी कि conjunction है, इससे पहले का कुछ part missing है. What about this? Such rights and obligation, ये भी such दिखा रहा है, मतलब कि ये ऐसे वाले rights की बात कर रहा जो already predefined. Hence this can't be my first sentence. These have been, again we got a pronoun over there, these which is a demonstrative pronoun. ये भी यही show कर रहा है कि वहाँ पर you have nothing to hide it. Next, the account holder is authorized to operate the account through a third person by suitable authority for one time basis or the functions through a power of attorney. Okay, इसको मैं hold पे रख सकता हूँ कि could be my first. There are various rights of a banker. I must say कि अगर banker के कुछ rights हैं, तो ये account holder banker के type पे भी हो सकता है. यानी कि these are the linked sentences. Next is such power of attorney. Obviously this is fair. Now what we gonna do is एक account holder है और एक various rights. अच्छा अगर account holder का ये authorization ये दिया है कि operate करना उसको किसी third person के accordance में, तो मतलब वो rights में तो आया उसके. यानी कि rights वाला sentences आपका पहले आया. The sentence start किससे करेंगे? There are various rights of a banker. यहाँ से वो ये कहता है कि एक banker के there are many rights. Guys अगर banker के बहुत सारे rights हैं, तो rights word जो आया अगर ये plural आया, अगर ये word plural है, तो naturally you have to look for a plural entity. Such power attorney, such rights and obligations. ये sentence से भी हो सकता था अगर सिर्फ such rights given होता, but यहाँ obligations भी है, तो prove होता है कि एक ही पड़ता है. That is which is the account holder is authorized A, and these have been vested in your part. What can we say from now onwards that either these hai ye shayad rights ke liye laga hua, therefore yahan se prove hota hai ki second wala sentence aapka hoga these yani ki rights hai. These have been vested by the law of the country. Guys ab ye pehla wala aaya by the law of the country aaya. Ab wo kya kehta hai, rights ki baat yahan par bhi hui hai, ye rights ki baat yahan par bhi hui hai, ye fir obligations aa raha which is wrong. यहाँ पर आपके पास राइट्स के साथ कुछ ऐड हो रहा था. अगर ऐड हो रहा था तो यहाँ से पता लगता है कि अलोंग विद द राइट्स द बैंकर इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल या फिल सर्टेन ऑब्लिगेशंस. चेक दिस आउट. सेकंड सेंटेंस ही आया, थर्ड सेंटेंस आया मेरा राइट्स वाला. यानी कि इन राइट्स के साथ साथ एक बैंकर को ये भी फुलफिल करना है. तो अब तक मेरी चेन क्या बनी? दो चेन बनी मेरी राइट्स के साथ. एक ये वर्ड राइट्स, एक ये वर्ड दीस, एक ये वर्ड्स अगेन राइट. यहाँ पर स्टार्ट हुआ बैंकर से, यहाँ पर भी लिंक हुआ बैंकर से. यानी कि अब तक माय रीअरेंजमेंट इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई कैन सी दैट पहले तीन सेंटेंसेस फॉर्म हो चुके हैं. वैसे अगर आपके पास पहले तीन सेंटेंसेस आ गए हैं तो यू कैन डू वन थिंग. थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से यू कैन फॉर्म इट. द अदर थ्री या फोर फाइव सिक्स में से या फाइव सिक्स में से तो वेल एंड गुड. नहीं तो यू शुड पे अटेंशन ऑन द लॉजिक कॉरोलरी कि वहाँ फॉलो क्या हो रही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगले की बात करता हूँ. आपके पास राइट्स भी आ गए हैं, आपके पास ऑब्लिगेशंस भी आ गए. मैंने इन सेंटेंसेस को निकालने निकालते टाइम ये भी देखा था कि यहाँ पे ऑब्लिगेशंस और राइट ऐड हो गए हैं. तो नेचुरली मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? सच राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द स्पेशल रिलेशनशिप आर मैंडेट्स एंड पावर ऑफ अटर्नी. एक और चीज, इसको पढ़ते पढ़ते हमने कुछ सच वर्ड देखा था जहां पर पावर ऑफ अटर्नी लिंक हुआ था. और एक ये है अकाउंट होल्डर, ये आपको जज करना पड़ेगा. नाउ पे अटेंशन व्हेन आई टॉक अबाउट दिस सेंटेंस. यहाँ से क्या पता लगा, ये वाले जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस है स्पेशल रिलेशनशिप में, ये मैंडेटरी भी है और पावर ऑफ अटर्नी भी है. चेक दिस आउट. फिर वो कहता है अकाउंट होल्डर जो है वो ऑथराइज है अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो थर्ड पर्सन की हेल्प ले कोई सूटेबल अथॉरिटी के थ्रू
या फिर वन टाइम बेसिस पे ले या फिर उसके फंक्शन होते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी से. तो लास्ट में वो कहता है पावर ऑफ अटॉर्नी या तो जनरल होती है या स्पेशल होती है. नेचुरली यहाँ से प्रूव हुआ कि अगर उसको यूज करेगा, यूज करने के बाद उसके फंक्शन भी तो बताएगा. तो माई फिफ्थ सेंटेंस माई फ्रेंड्स टर्न आउट टू बी दिस वन. The account holder is authorized to operate the account to a third person by a suitable authority for one-time basis or the functions through a power of attorney. The last sentence becomes such power. ये वाली power of attorney या तो general से आएगी या special से आएगी, which is in nature. So my whole rearrangement comes out to be like this. अगर मैं पूरे arrangement की बात करूँ, it will be like first is E, second is C, third is A. The next one comes out to B, that is called B. Next is D and the last one is F. E, C, A, B, D, F is your right arrangement. So in rearrangement, it is not about how fluent are you in English. It is definitely something which is called a common sense. You have to make changes, you have to find suitable titles, you have to make changes according to the previous one. So this might help you in your studies. Hope you enjoy it a lot. I hope and in the coming time, अब आगे जाकर जो रियरेंजमेंट देखेंगे उसका लेवल भी थोड़ा आएगा. थैंक यू, एंजॉय.